राज्य में अग्नि वर्षा 9 शहर में पारद टपि जा 40 डिग्री। मंगलवार राज्य सबुठ उत्तप्त शहर पलटि बारीपदा और बारीपदार तापमात्रा 41.6 डिग्री। बारीपदा तले झारसुगुड़ार तापमात्रा 41.2, संबलपुर भुवनेश्वर बौद्ध टिटलागड़ अनुगुल तापमात्रा 40 डिग्री पार, संबलपुर तापमात्रा 40.8, भुवनेश्वर 40.7, बौद्ध में 40.5, टिटलागड़ में 40.5, अनुगुल तापमात्रा 40.1 रेकर्ड कर सुंदरगढ़ कटक रे पारद छुई 40 डिग्री। राज्य में अग्नि वर्षा होउछि, आकाशरु खसुछि निया झूल, आसंता 4 दिन जाए प्रबल ताती अनुभूत हो। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष आसंता 13, 14, 15 तारीख में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। हीट वेव एथिपाई जारी कर 13 तारीख में बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ पर हीट वेव वार्निंग जारी। 14 छटे जिला बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर को जारी होती हीट वेव। से हीपरी 15 पाई मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, बौद्ध और देवगढ़ जिला को हीट वेव सतर्कता जारी करा। पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग्वर शुष्क वायु प्रवाहित होती आगामी दिन में 3-4 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबा संभावना थी आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहते। कहले टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़िवारे लगी, नेक्स्ट 5 डेज में टेम्परेचर बढ़िया लगे। आपण जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता कंटिन्यूअसली ता बर्तमान कमे को जाऊँच, तेणु थंडरस्टॉर्म एब्सेंस रे टेम्परेचर अधिक बढ़ो और हीट वेव कंडीशन होवार संभावना रही। 13 तारीख किसी जिले में ग्रीष्म प्रवाह व हीट वेव कंडीशन रही अनुमान कर 13, 14 और 15 ये जो 3 दिन रोची एम ग्रीष्म प्रवाह रही। 13 तारीख में मुख्यतः भाव में जो रोच 4 जिला को ग्रीष्म प्रभाव पर वार्निंग जारी कर जिला गुड़िक हमारे बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़। से हीपरी 14 तारीख में रोचे पाखापाखी 5 जिला को वार्निंग जारी कर जिला गुड़िक जोटा कि रोच उत्तर आभ्यंतरण ओडिशार जिला उपकूल में बालेश्वर जिला रोच 15 तारीख बेलू आम जो रोच वार्निंग जो मुख्यतः भाव में जो जारी करोटा कि आम अनुमान कर मयूरभंज, केन्दुझर, ता सहित सुंदरगढ़, संबलपुर एवं अनुगुल, ता सहित बौद्ध, ये सब जो जिला गुड़िक देवगढ़ ये 8 जिले रे हमर ग्रीष्म प्रभाव हीट वेव कंडीशन रहइबो भी अनुमान कर दिछु। सबडे हीट वेव ने सतर्क कराइले स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर सब जिलापाल को चिट्ठी लेखी हीट वेव वार्निंग ने सतर्क रहइबा को कहिसेंती एसआरसी। ताती पई सब जिला स्तर रे खोला जइबो कंट्रोल रूम, जनगहलीपूर्ण स्थान रे जल छत्र खोला जइबो, शिक्षा अनुष्ठान रे पीबा पानी रो सुविधा जगाई दिया जइबो, बहुत परिमाण ओआरएस महजूद रखा परामर्श दिया जाएगी, यात्रीवाही गाड़ी गुड़िक पानी और ओआरएस रखा कहु, श्रमिक मान समय पर चिठी में उल्लेख कर एसआरसी। तातिकु नहीं सतर्कता जारी, एप्रिल मे 2 मास हेब अग्नि वर्षा, पाणीपाग विभाग हीट वेव अलर्ट भितर आसी एक आश्वस्तिकर खबर। भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि ए वर्ष देश में स्वाभाविक रहिब मौसुमी वर्षा, एलनीनो प्रभाव सत्वे वर्षार परिमाण स्वाभाविक रहिब। जून रु सेप्टेम्बर सारा देश में प्राय 83.5 सेंटीमीटर वर्षा होइपारे बोली अनुमान करिछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। ए वर्ष सारा देश में स्वाभाविक रहिब मौसुमी वर्षा, भारतीय पानीपाग विभाग करिछि एभली पूर्वानुमान। मौसुमी समय जून रु सेप्टेम्बर भितर सारा देश में प्राय 83.5 सेंटीमीटर वर्षा होइपारे बोली अनुमान करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिछन्ति लॉन्ग पीरियड आवरेज रेन बा दीर्घ अवधि हारारी वर्षार 96% वर्षा एथर होइपारे जहां स्वाभाविक बोली कहा जाय परिबो। दीर्घ अवधि हारारी वर्षा है 1971 2020 मसीहा पर्यंत सारा देश में होता वर्षार हाराहारी परिमाण। दीर्घ अवधि हाराहारी वर्षार परिमाण प्राय 87 सेंटीमीटर, यार 96% मौसुमी वर्षा अर्थात 83.5 सेंटीमीटर वर्षा होइपारे बोली अनुमान करिछि आईएमडी।
आज जो पूर्वानुमान जारी कर सारा भारत वर्ष से जून रु सेप्टेम्बर मध्य जो वर्षा होबार अच्छी ता नॉर्मल रेंज रे होबार संभावना रही अर्थात साधारणत जो 87 सेंटीमीटर वर्षा रेकर्ड कर सारा भारत वर्ष पाखापाखि वर्षा वर्ष मान रही परिमाणात्मक भाव में पूर्वानुमान कर साधारण वृष्टिपात 96% विथ मॉडल एरर ऑफ प्लस माइनस 5% होबार रही तेणु 87 सेंटीमीटर 96% अर्थात 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होबार संभावना रही। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र देशर अधिकांश अंचल स्वाभाविक किंवा ताठारु अधिक वर्षार अनुमान किंतु देशर पश्चिम केन्द्र और उत्तर पश्चिम भाग में स्वाभाविक ठारु कम वर्षार मध्य संभावना रही। ओडिशा रे स्वाभाविक किंवा ताठारु अधिक वर्षा होई पारे बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। वेस्ट सेंट्रल इंडिया एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो अंचल रे नॉर्मल रु बिलो नॉर्मल रेनफॉल होबार पूर्वानुमान करा जायछि। जदि अपन ओडिशा कथा देखिबे ओडिशा रे पूर्वानुमान हेउछि नॉर्मल रु एवं नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहते साधारणतः वर्षार परिमाण तीन टी फैक्टर उपर निर्भर करे। गोटे है एल निनो द्वितीय इंडियन ओशन डायपोल एवं तृतीय है स्नो कवर एरिया। एथर मौसुमी ऋतुर द्वितीय अर्धे एल निनो प्रभाव अधिक रहा अनुमान कर एल निनो प्रभाव अधिक रे वर्षार परिमाण कम होता किंतु पूर्वर किसी वर्ष देखा जाए एल निनो प्रभाव अधिक थी स्वाभाविक वर्षा हो ता छड़ा इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहुतबारु वर्षार परिमाण स्वाभाविक रहिबा अनुमान करा जाउछि। सेहिपरि यूरोप एवं एशिया बा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंचल रे स्नो कवर एरिया कम थिबारु वर्षार परिमाण स्वाभाविक रहि पारे बोली कहिसेंति आईएमडीजी। एल निनो इज नॉट सो सीवियर इट इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स जुलाई ओनली सो देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्ट द इवॉल्वमेंट बट इट इज नॉट सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एल निनो कंडीशंस इट इज जस्ट ए मॉडरेट एल निनो कंडीशंस व्हिच इज लाइकली टू इवॉल्व टुवर्ड्स जुलाई और टुवर्ड्स द मॉनसून सीजन। जो मॉडल आधार रे पूर्वानुमान करा जाय छि सेथिरे 5% एरर रहि पारे अर्थात वर्षा पूर्वानुमान रे 5% एपाक सेपाक होइ पारे। दीर्घ अवधि हारारी वर्षार 91% किंबा 101% वर्षा हबार मध्य संभावना रहि छि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बहु आलोचना बैठक पर बैठक शेष में कर्णाटक बीजेपी जारी कर प्रार्थी तालिका प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका जारी कर भारतीय जनता पार्टी आउ 199 जनक ना घोषणा कर दल एम 52 जन हो नुआ चेहरा 32 जन ओबीसी अनुसूचित जातिर 30 अनुसूचित जनजातिर 16 प्रार्थी को दल कर घोषणा 8 जन महिला को मध्य टिकेट मिली 9 जन डाक्तर अवसरप्राप्त आईएएस आईपीएस को टिकेट देती बीजेपी। शिगांव आसन निर्वाचन लड़े मुख्यमंत्री बासवराज बोमाई 2008 लगातार भाव यही आसन विजयी हो आसुंच बोमाई आथर निर्वाचन लड़े ना पूर्वतन मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा मध्य येदुरप्पा बदल में पुओ बी वाई विजेन्द्र को शिकारीपुरा आसन टिकेट देती दल शिकारीपुरा येदुरप्पा अभेद्य गड़ आसन 6 थर वि